Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method, launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat, no heavy bags, locker for every student, personality अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, A18 तेलंगाना न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। साबिक IPS ऑफिसर और BSP लीडर प्रवीण कुमार ने TRS पार्टी वर्कर के जरिए मुबैना तौर पर इस्मत रेजी से मुतासरा लड़की से मिलने नीलोफर हॉस्पिटल का दौरा किया। पेश है A18 तेलंगाना न्यूज़ से ये तफसीली रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा व अहम तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो सिरसिला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जिसे मिनिस्टर KTR साहब रिप्रेजेंट करते हैं, उसका तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का एक मेंबर राधारप शंकर करके एक 6 साल के लड़की के ऊपर बलात्कार किया और लड़की बहुत जान खतरे में था उस लड़की का। सो उसको सिरसिला में एडमिट करने के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बहुत मुश्किल हुआ। उसके बाद एक दिन भी एडमिट नहीं करे, उसके बाद फिर ज़बरदस्ती उसको वापस भेजा गया। तो तब वो लड़की बहुत बहुत भीतर स्थिति में वो रो रही थी और पेट में दर्द हो रहा करके रो रही थी। तब ये पेरेंट्स नो जो है नीलोफर हॉस्पिटल को लेके आया इलाज के लिए। तो यहाँ भी वो लोगों को बहुत मुश्किल महसूस करना पड़े, तो मुकाबले करना पड़े। उसके बाद अभी वो लड़की अभी ट्रीटमेंट में है। मैं ये सवाल तेलंगाना सरकार को मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका मिनिस्टर, आपका चीफ मिनिस्टर KCR साहब का बेटा KTR और उसका फॉलोअर्स, सो जो TRS के मेंबर्स, ये बलात्कार करने के लिए ये गलत बात है और आप लोग तुरंत बरतरफ करना चाहिए, जो चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो MLO। ये हम बहुजन समाज पार्टी से हम ये डिमांड करते हैं और आने वाले दिनों में ये जो भी जुर्म हो रहा है गरीब लोगों के, जो गिरिजन और दलित लोगों के ऊपर और माइनॉरिटी लोगों के ऊपर और खास करके गरीब लोगों के ऊपर जो जुर्म हो रहा है, आप लोग समझ रहे कि ये लोगों के पीछे कोई नहीं है, इसीलिए जुर्म लगातार हो रहे हैं। इसको रोकना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी से कमिटेड है, ये सब रोक देंगे। और इसके लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाना पड़ेगा और फास्ट ट्रैक लगाने के बाद इसको फांसी देना चाहिए, तो तब भी इसका इंसाफ होगी, तब तक इंसाफ नहीं होगी और सोसाइटी में भी ऐसे बलात्कार ऐसे जुर्म फिर आगे नहीं होना चाहिए। सो यही चीज़ हमको बोलने का, ठीक है। शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड स्मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे, यहाँ AC डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है, 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मज़ीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।